अच्छा तो भाई एक अपडेट है, एक गुड न्यूज़ है। मैं अभी बोर्डिंग के लिए जा ही रहा था तो उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास लिया। उन्होंने कहा कि मिस्टर सैयद मोहम्मद इब्राहिम, यू हैव बीन अपग्रेडेड टू बिजनेस क्लास। अच्छा वैसे सच सच बताना, अगर ऐसी चीज़ हमारे पास पाकिस्तान में होती, हमारे एयरपोर्ट पे या कहीं भी एक्स वाई जी, तो इन तो ये आपके भाई की सीट है भाई। आकाश भाई ये ज़रा वीडियो बनाओगे, दिखाओ ज़रा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ इब्राहिम फ्रॉम कराची। और इस वक्त मेरे पीछे ये बड़ा भालू देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं इस वक्त दोहा एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। मैं अपनी अगली फ्लाइट का इंतज़ार कर रहा हूँ जो कि है काठमांडू नेपाल की। मैं जो अगली कंट्री जा रहा हूँ वो है नेपाल। काफ़ी टाइम से मेरा प्लान था कि मैं नेपाल को एक्सप्लोर करूँ और नेपाल की वीडियोज़ बनाऊँ और पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर किस तरीके से वहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल लिया जा सकता है मैं लोगों को ये बताऊँ। तो फिलहाल मैं एयरपोर्ट पे हूँ अभी, तकरीबन कोई 3-3.5 घंटे का जो है वो यहाँ पे कनेक्शन है। अभी मेरा लेओवर है, उस लेओवर को मैं देखता हूँ किस तरीके से किल करना है इस एयरपोर्ट के ऊपर। फिलहाल एयरपोर्ट तो बहुत हैपनिंग है, ये मैं पहले भी आया हुआ, मेरे मतलब फेवरेट एयरपोर्ट्स के अंदर से एक एयरपोर्ट है ये। तो देखते हैं यहाँ पे 3-3.5 घंटे में क्या करता हूँ। आप मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहे, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। इस वीडियो में आपको आगे पता चलेगा कि किस तरीके से वीज़ा ऑन अराइवल आप हासिल कर सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे नेपाल का। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे आगे। अच्छा मैंने भी अपना गेट जो है स्कैन करके निकाला है, C55 मेरा गेट है और 15 मिनट की वॉक है, उसके बाद मेरा गेट आएगा। भाई यार ये इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं मिडल ईस्ट के ख़ास तौर पे, कि इंसान जो है अपने गेट तक जाने के लिए उसको 15-20 मिनट लगते हैं। तो भाई चलते हैं गेट की तरफ, और गेट देखने के बाद जो सुकून मिलता है ना वो किसी चीज़ में नहीं है। पहले अपना गेट देख लो उसके बाद जो करना करो। तो चलते हैं गेट की तरफ। यार एयरपोर्ट के शशके होते हैं ना, ये एयरपोर्ट के अंदर आते ही आपको ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें नज़र आती हैं, दिल करता है बंदा यहीं रहे। वाह। अच्छा एक बात मैंने नोटिस करी है कि दोहा का जो एयरपोर्ट है वो दुबई के एयरपोर्ट से ज़्यादा अच्छा है। आप लोग एग्री करते हैं इस बात से? अगर एग्री करते हैं तो कमेंट में मुझे बताओ। और अगर किसी को वो उस भालू की हिस्ट्री पता है जो इस एयरपोर्ट पे है, दुबई एयरपोर्ट पे, तो उस हिस्ट्री को भी कमेंट करो कि वो यहाँ पे क्यों रखा हुआ है और उसके आगे जो तो खास तौर पे ये लाइट लगी हुई है, लैंप लगा हुआ उसके मुंह पे, ये क्यों है? अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना। यार दोहा एयरपोर्ट पे ना ये ऑर्चर्ड इन्होंने एक बनाया हुआ है, पूरा जंगल नुमा एयरपोर्ट के अंदर जो है ना एक जंगल बनाया हुआ छोटा सा, चेक करो यार ज़बरदस्त। क्या खूबसूरत व्यू है यार। सब लेवल है यार एयरपोर्ट का, चलो नीचे चल के देखते हैं। ये देखो भाई ये इतना ओरिजिनल बनाया है इन्होंने कि लग रहा है कि फेक है, लेकिन ये है 100% सब ओरिजिनल। ये सारे जो प्लांटेशन वगैरह ये सब ओरिजिनल है ये। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप देखोगे ना उसको पहली दफ़ा तो आपको लगेगा कि शायद ये फेक है सब कुछ ना, प्लास्टिक है, लेकिन ये सब रियल है। सूरज इन्होंने बनाया हुआ है यार। अच्छा वो देखो ऊपर चलने की भी जगह है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो चलते हैं इसको ढूंढते हैं, ज़बरदस्त यार। मतलब बंदा अपने गेट पे जाए 15-20 मिनट की अगर वॉक भी हो तो वो आराम से एंजॉय करता हुआ जाए, उसको बोरियत नहीं होगी, कुछ ना कुछ उसको दिखता रहेगा, कहीं ना कहीं आर्ट है, कहीं जो है ये इस तरीके का इन्होंने प्लांटेशन वगैरह की भी है। मतलब यार बहुत ही ज़बरदस्त एयरपोर्ट है मेरा तो, जैसे कहते हैं ना मैंने फ़र्स्ट टाइम कतर एयरपोर्ट को इतना एक्सप्लोर किया है और अभी तक जो है ना मुझे मज़ा आ रहा है। अच्छा वैसे सच सच बताना, अगर ऐसी चीज़ हमारे पास पाकिस्तान में होती, हमारे एयरपोर्ट पे या कहीं भी एक्स वाई जी, तो इन पेड़ पौधों के बीच में क्या हो रहा होता। चलो भाई गॉर्डन रैम्से का बर्गर आ गया, लेकिन भाई यहाँ मामूली से शेक जो है वो 3-4 हज़ार रुपये के हैं। गॉर्डन रैम्से भाई का बर्गर तो मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार रुपये से कम का नहीं होगा। फाइनली भाई 20-25 मिनट बाद चलने के बाद मेरा जो गेट है वो आ चुका है C55, वो रहा।
और जहाज़ तो अभी लगा हुआ नहीं है, टाइम है। कोई देर आप बैठते हैं, रेस्ट करते हैं यार, काफ़ी थक गए। क्योंकि कराची से भी जो है तकरीबन फ़्लाइट लेके जो आए थे वो तकरीबन 3 घंटे की फ़्लाइट थी, और 3 घंटे से एयरपोर्ट पे भी लगे, इमिग्रेशन लाइन में बहुत टाइम लग गया था। ये रहा मेरा गेट C55। इमिग्रेशन पे भी बहुत टाइम लग गया था आज, बहुत ज़्यादा रश था कराची एयरपोर्ट पे। तो फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा सा बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, और फिर जब जहाज़ लग जाएगा तो फिर उसके बाद जहाज़ की वीडियो दिखाते हैं आपको अंदर, जहाज़ में क्या खाने में है, और फिर काठमांडू एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे और वहाँ पे वीज़ा का क्या प्रोसेस होगा वो दिखाऊँगा। व्लॉग में साथ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। सर तो भाई एक अपडेट है, एक गुड न्यूज़ है। मैं अभी बोर्डिंग के लिए जा ही रहा था तो उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास लिया, उन्होंने कहा कि मिस्टर सैयद मोहम्मद इब्राहिम यू हैव बीन अपग्रेडेड टू बिजनेस क्लास। तो मैंने उनसे पूछा कि सुरेश साहब थे वहाँ पे, मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों, मुझे क्यों अपग्रेड किया आपने? तो वो कहते हैं कि यार इकोनॉमी जो है वो ओवरबुक थी, तो इस वजह से हमने जो सिंगल ट्रैवलर हैं और जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं कतर एयरवेज़ के उनको अपग्रेड कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस क्लास के लिए। फिर उसने पूछा कि भाई आप जो है वो क्या कहते हैं वेट करना चाहेंगे बिजनेस क्लास कोच के लिए या इकोनॉमी में जाना चाहेंगे? मैंने कहा भाई बिजनेस क्लास टिकट है तो बिजनेस क्लास कोच के लिए भी वेट करेंगे। तो ये भाई भाई का बोर्डिंग पास है जो अपग्रेड हो गया है बिजनेस क्लास पे। यार क्या स्टार्ट है जर्नी का, क्या स्टार्ट, वाह मज़ा। चलो भाई बिजनेस क्लास बस के अंदर जा रहे हैं। आपका भाई बिजनेस क्लास में, तो ये आपके भाई की सीट है भाई। बिजनेस क्लास की विंडो नहीं मिली लेकिन फिलहाल जो है उसमें खुश हैं। हमेशा जो है वो क्या कहते हैं पर्दे के उस पार ही बैठे हैं, आज फर्स्ट टाइम पर्दे के इस पार बैठे हैं। थैंक यू कतर एयरवेज, थैंक यू। पे बैठते ही जो है सबसे पहले आपके भाई को उन्होंने एक फ्रेश ड्रिंक दी है, कोई आई थिंक लेमनेड है, बहुत मज़ेदार है। वाह मेन्यू भी दिए खाना ऑर्डर करने के लिए और दूसरा वाइन ऑर्डर करने के लिए, तो ये मेन्यू छुपा देते हैं क्योंकि ये तो करना नहीं है हमने। खाने का मेन्यू देखते फिलहाल। ये जो लेवल है ना आपकी बिजनेस क्लास का, ये है चीज सारे पैसे इसके, बंदा लेट के जाए सुकून से। यहाँ बटन दिए हुए बंदा सीट को पूरा रिक्लाइन कर ले और लेट जाए आराम से और सो जाए। बाकी ये पीछे चीज़ें दी हुई हैं, ये रीडिंग लाइट है, लैंप है, पता नहीं जलता कैसे है, ये यहाँ से ही जलता होगा। तो काफ़ी अच्छा वो है यहाँ पे सेटअप। Refreshing towel. हाँ भाई आपका भाई पूरा लेट चुका है और सोने की तैयारी की क्योंकि बहुत थका हुआ, पूरा बेड फ्लैट हुआ है ज़बरदस्त तरीके से, आराम से लेटा हूँ। अब सो जाते हैं 2-3 घंटे के लिए, खाना पीना बाद में करेंगे यार, अभी खाने की हिम्मत नहीं है, अभी सो रहे हैं। ठीक है बहुत कंफर्टेबल सीट है भाई इसकी कतर एयरवेज़ की बिजनेस क्लास की, फिर पता नहीं कब ट्रैवल करना बिजनेस क्लास में। तो फिलहाल अभी कंबल वंबल ओढ़ के, यहाँ तो कंबल भी अच्छा दिया हुआ है भाई, ये देखो स्टफ अच्छा है, भाई इकनॉमी में तो कंबल में भी ठंड लग रही थी। टेक ऑफ होने के बाद कोई 2 घंटे में सो गया था आराम से, पूरी रात का जागा हुआ था, मैंने कहा थोड़ी देर सो जाते हैं। और अब ये जो है खाना मुझे सर्व कर दिया इन लोगों ने, और खाने में मैंने लिया ये कुछ ब्रेड है, उसके साथ ऑलिव ऑयल है, बटर है, और ये है प्रॉन्स, और प्रॉन्स के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, नाम मुझे याद नहीं है। यार खाना ऑर्डर कर लिया मैंने, खाना खाते हैं और फिर आपको ऑर्डर कर देते हैं। इतनी मज़े की नींद आएगी ना सीट के ऊपर, पूरी सीधी लटा के मैं 2 घंटे नॉन स्टॉप से रहा कंबल उड़ के, मज़ा आ गया। मैं लग रहा था मैं वापस आ रहा हूँ तब भी मुझे ऐसी अपडेट मिल जाए, मैं इतना इन्जॉय कर रहा हूँ उसको। तो यार जल्दी से खाना ख़त्म करता हूँ मैं, उसके बाद कटमंडू भी है तकरीबन 2 घंटे की फ्लाइट और है,
देखेंगे, हो सका तो और सो जाऊंगा। फिर मिलते हैं आपसे कमांडो एयरपोर्ट पर, फिर वीजा को डिस्कस करते हैं। जबरदस्त फ्लाइट थी यार, क्या मजा आया। आज समझ आया कि लोग बिजनेस क्लास के लिए इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं। कंफर्ट ब्रो, कंफर्ट। अच्छा, एयरपोर्ट के अंदर आते ही आपके पास नेपाल एयरपोर्ट पे अगर आपको वीजा ऑन अराइवल चाहिए पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, तो यहाँ पे ये कियोस्क बने हुए, इधर से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये लेडी है यहाँ पे हेल्प करेंगी। हेलो हेलो गीता, कैसे हैं आप? हिंदी बोल जानती हैं? जानती हैं, ये अच्छी बात है कि लैंग्वेज का मसला नहीं होगा। अच्छा, ये मुझे टूरिस्ट वीज़ा जो है मुझे फ्री होगा या मुझे पे करना पड़ेगा? बांग्लादेश पाकिस्तानी वो तो यहीं पर पता चलेगा, यहीं पे पता चलेगा। चलें आप चेक कर लें, थैंक यू। डेढ़ घंटे बाद भाई लगेज मिला है। छोटा सा एयरपोर्ट है लेकिन काफ़ी टूरिस्ट माशाल्लाह यहाँ पे आते हैं, तो पूरा पूरा डेढ़ घंटा लगा लगेज मिलने में। अब कुछ मनी एक्सचेंज कराते हैं, सिम विम खरीदते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं अपने होटल की तरफ। मनी एक्सचेंज पे देखते हैं क्या रेट चल रहा है, तो फिर अंदाज़ा करते हैं। तो ब्रदर, हाउ आर यू? हाउ मच फॉर 100 USD? 12,930। ओके ब्रदर, लेट्स डू इट। 12,900 नेपाली रुपी, $100 में। 12,900। इसकी कोई स्लिप होती है या बस डायरेक्ट होता है? ये डायरेक्ट होता है। शुक्रिया। 12,900। ठीक है, थैंक यू। $100 में भाई 12,800 समथिंग मिले। करेंसी तो बड़ी डिफरेंट है, हाथी वाथी बने हुए, ये हिरन बना हुआ है। बाकी अब यहाँ से एन सेल की सिम लेते हैं, देखते हैं सिम कितने की है। अच्छा, सिम जो है वो 15 दिन का मेरे पास वीजा है ना, अगर 25 GB में लेता हूँ तो नेपाली रुपीज़ 700 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। इसके अंदर 60 मिनट का टॉक टाइम भी मिलेगा, 25 GB नेट भी मिलेगा। मेरे हिसाब से ये अच्छा है। अगर 25 GB मतलब वीडियोज़ अगर अपलोड करूँ और मैं उस पर इंस्टाग्राम वगैरह कनेक्ट करूँ, हॉटस्पॉट पर लैपटॉप भी चलाऊँ, तो 25 GB सही रहेगा। अच्छा, नेपाल में उर्दू और हिंदी लोग समझ लेते हैं, ये अच्छी बात है। इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपनाइयत लगती है यहाँ पे। नहीं लेकिन है कि हिंदी उर्दू भी ज़्यादा अच्छा है ना, ये ज़्यादा अच्छा है। तो भाई 750 रुपये के अंदर 50 रुपये मैंने एक्स्ट्रा ले दिए क्योंकि मेरे पास तस्वीर नहीं थी, तो मुझे 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े। बाकी 700 रुपये के अंदर 25 GB डाटा और पासपोर्ट देना है, उसके बाद आपको सिम मिल जाएगा एयरपोर्ट से एन सेल। भाई मेरी फोटो ले रहा है ब्रदर, थोड़ी थोड़ी स्टैंड फोटो सिम के लिए यहीं पे हो जाएगी। थैंक यू। गुड। एयरपोर्ट से टैक्सी करा ली भाई, अभी हिम्मत नहीं थी घूमने फिरने की, मैंने कहा कि टैक्सी में आराम से जाते हैं, थोड़ी महंगी पड़ती है लेकिन ये है कि सेफ रहती है। राइड ना, आप भी फैमिली वैमिली के साथ आओ तो भाई प्राइवेट टैक्सी ले लो, एयरपोर्ट के अंदर से प्रीपेड टैक्सी वो सही पड़ती है। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम दीपक है। दीपक भाई है मेरे साथ काठमांडू भाई। अभी मैं जैसे ही बाहर निकलूँ एयरपोर्ट से, ठंडक जो है ना बड़ी ज़बरदस्त, मज़े की ठंड, बहुत मज़ा आया निकलते। एक अच्छा जो जैसे इतना फ्रेश हो गया मैं, जो इतना थका हुआ था मैं। अब चलते हैं होटल की तरफ, वहाँ पे फिर चल के एयरपोर्ट पे जो सीन हुआ फिर मैं वो बताऊँगा। एक एयरपोर्ट पे एक सीन हुआ है वो मैं रूम टूर पे बताऊँगा। अच्छा भाई, यहाँ से कश्मीरी पोशाक लाएगा बहुत। आपका नाम क्या? आकाश। आकाश भाई,
भाई टैक्सी वाला तो मुझे उतार के चला गया था यहाँ पे रोड पे। अब आकाश भाई कह रहे हैं कि मैं आपको छोड़ूंगा, वो आपकी गेस्ट हाउस तक। आपको मालूम है? हाँ, आपको आपको ज़्यादा मालूम है ना, आपका तो होटल मालूम नहीं है। नहीं तो गूगल पे निकाल लेंगे ना। ठीक है ना, चले चलते आकर आकाश बैठ जाओ। मैं डाटा है आपका पास है ना आकाश भाई, ये जरा वीडियो बनाऊंगा, दिखाओ जरा बैठते हुए। आज ही आया? हाँ, तुम सप्पा करो। नहीं 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 सॉरी, यू करो ना। चलो भाई, ये मेरा साइकिल रिक्शा रेडी हो गया, चलें आकाश भाई। आकाश भाई गिरेगा तो नहीं बैग? गिरेगा नहीं, कल घूमेंगे। ओके घूमेंगे, चलो सही है, मैं आपको रब्ता कर लूँगा। ओके ओके, चलो भाई आकाश भाई के साथ मैं हमें सीट। अभी तो मैं बस दो दिन हूँ यहाँ पे, है ना। आज आया? आज आया हूँ ना, दो दिनों फिर पोखरा निकल जाऊँगा। ओ पोखरा, लेक साइड? लेक साइड से पंगे आया। अच्छा, आप लेके गए थे उनको इस पे? आकाश भाई ये थामिल स्क्वायर, थामिल स्ट्रीट है ना, टूरिस्ट एरिया, टूरिस्ट एरिया भाई, ये मेन टूरिस्ट एरिया है नेपाल का, थामिल स्ट्रीट वर्ल्ड। आकाश भाई बता रहे हैं लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स जो है यहाँ का बेस्ट क्लब ऑफ द वर्ल्ड है, फुल पार्टी होती है। आकाश भाई डांस वांस होता है यहाँ पे फुल? अच्छा आवाज लेट मी नो। ओके भाई, ये राजन भाई हैं। अभी टैक्सी वालों ने मुझे जब सही से लूट लिया, तो राजन भाई जो है यहाँ पे रहने वाले हैं काठमांडू के, राइट राजन भाई? आप काठमांडू के? तो भाई इन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं स्कूटर लेके आ रहा हूँ और मैं आपको छोड़ के आता हूँ आपके होटल में। ऐसे भी लोग होते हैं भाई, ये है नेपाल। अच्छा भाई, तो मैं होटल आ गया हूँ और मैंने चेक इन कर लिया है, लेकिन मैंने चेक इन करते ही फैसला कर लिया कि यहाँ तो मैं नहीं रह सकता, क्योंकि होटल बड़ा है खौफनाक सा और कॉरिडोर वगैरह पर पड़ा दे रहा है भाई, मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी आते जाते। ये देखो बड़ा ख़तरनाक सा है, तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पर रुकना। लेकिन फिलहाल आज रात तो गुजारते हैं और उसके बाद फिर सुबह कोई नया होटल ढूंढते हैं, या देखते हैं कल पोखरा निकल जाएंगे, फिर वापस आके नेपाल को एक्सप्लोर करेंगे, ऐसा ही कुछ प्लान करते हैं। तो वॉशरूम भी देख लो भाई, ये है, खैर $11 में बुरा नहीं है, $11 में ये होटल बुरा नहीं है, लेकिन मेरे टाइप का नहीं है, जैसा मैंने इंटरनेट पर सोचा था देखा था वैसा नहीं है। अच्छा भाई, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, बहुत शुक्रिया आप लोगों को देखने का। मैं फिर आउटरो में एक चीज़ बता दूं कि वीज़ा जो था वो मेरा 15 दिन और 30 दिन का मैं फ्री ले सकता हूं, वो अलावा लेना पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, क्योंकि आप सार कंट्रीज हैं तो आपको ये पासपोर्ट जो है वीज़ा फ्री मिल जाता है, बाकी लोगों को पे करना पड़ता है। तो बाकी आपने एयरपोर्ट आके डायरेक्ट वीज़ा ले लेना है, बुकिंग वगैरह मुझसे किसी ने भी नहीं पूछी होटल की, और ना ही किसी ने मुझसे पूछा कि कितने दिन ठहरे हो क्या हो, बहुत आसान सा था। हाँ, लेकिन वापसी में यहाँ पर टैक्सी वाले का रवैया मुझसे बहुत ख़राब था, टैक्सी वाले ने समझ लो कि मेरी बैंड बजा दी यार मुझे, ऐसा उसने दूर उतारा, और उसके बाद फिर एक साइकिल रिक्शा वाला मिल गया, उसने भी मेरी बैंड बजा दी, मतलब उन दोनों ने सिर्फ मुझसे पैसे लूटे और वो चले गए। फिर मुझे एक भाई मिले राजन, जो यहाँ के लोकल हैं रहने वाले और काठमांडू के, उसने अपनी स्कूटर पे यार मुझे ये होटल ढूंढ के यहाँ पे छोड़ के वो गया है। क्या वो लड़का है, मतलब अगर नेपाल का मैं सोचूँ ना कि यार नेपाल वाकई कोई अच्छे लोग हैं, तो मैं राजन से मिला हूँ। तो अगर राजन आप मेरा ब्लॉग देखो तो भाई अ ह्यूज शाउट आउट फॉर यू, थैंक यू सो मच। ब्लॉग को एंड करते हैं, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल, कल से फिर ब्लॉग्स बनना शुरू हो जाएंगे डेली, काठमांडू की एक्टिविटीज़ और फिर मैं पोखरा जाऊंगा वहाँ की एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।